हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे शहनाज गार्डनिंग में स्वागत है। आज मैं एक नए फ्लावर विंटर फ्लावर के बारे में बताऊंगी जो बहुत खूबसूरत होता है। देखिए, हेलिक्रिसेंथियम ये फ्लावर का नाम है और ये इतना खूबसूरत, इसको पेपर भी रेड भी कहा के फ्लावर को नाम दिया जाता है कि ये पेपर की तरह होता है। देखिए, इसको टच करें, जब आप करेंगे तो ऐसा लगेगा, देखिए इसमें आवाज़ आ रही ना, देखिए ये, देखिए ये पेपर की तरह होता है कुछ, और बहुत खूबसूरत होता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए किसी आवाज़ आ रही जैसे कि हम कोई आर्टिफिशियल फ्लावर टच कर रहे हैं। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं। आप इसका अगर सीड से लगाना चाहते हैं तो अक्टूबर में इसकी सीडलिंग कर लीजिए और ये अप्रैल तक आपको फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपको अभी नहीं लिया है तो आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं। इसके बहुत कलर डिफरेंट, मेरे पास तो ये ग्रीन कलर है थोड़ा सा, और मेरे पास रेड कलर है, डबल शेड में है। और देखिए कि अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, देखिए मैं दिखा दूँ छोटे छोटे फूल, देखिए ये देखिए इस तरह से इसमें काफ़ी कलियाँ आने लगती हैं। और याद रखिए, सिर्फ इसको अगर पास पास रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। देखिए मेरा सिर्फ एक गमले में मैंने एक पेड़ लगाया है तो ग्रोथ ही, देखिए ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। देखिए देखिए कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं इसके। अगर पास पास रख देंगे तो इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी अच्छी और बहुत मरी मरी जैसे, मरियल जैसे हो जाते हैं। सिंगल सिंगल पैटर्न में वैसे आएंगे। इसको सिंगल, ज़्यादा बड़ा गमला भी मत लीजिए। देखिए इस तरह से गमला ले लीजिए, जैसे कि आप 5 इंच 6 इंच का गमला ले लीजिए, उसमें आप लगाइए सिंगल पेड़, तो देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। फ्लावरिंग भी देखिए, और ये सब जो ब्रांचें दिख रही है इसमें सारे में फ्लावरिंग आएगी, ये सब ब्रांचों में फ्लावरिंग होगी। इसमें देखिए मेरे सब, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये छोटे छोटे सी फ्लावरिंग हो रही, देखिए ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये आप नर्सरी से भी परचेज करके ला सकते हैं, आपको नर्सरी में ये नवंबर से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए कितना, पास पास मत लगाइए, दूर दूर लगाइए तो जिससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। मैं आपको इसकी आपको जो सॉइल बता देती हूँ, जो मैं हर अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ। 50% आपकी मिट्टी हो गई, 20% रेत हो गई, 20% खाद आ गई, 20% आपकी गार्डन रेत, और 5% आपकी नीम खली, 5% आपकी मस्टर्ड खली को मिक्स करके इसको लगा दीजिए। मैं ऐसे ही लगा देती हूँ और फिर देखिए इसकी खूबसूरती, देखिए फ्लावर की। मैंने देखो अभी इसमें ज़्यादा खाद नहीं डाली है, देखिए नॉर्मली खाद है ये, ज़्यादा आप किसी तरह मिट्टी में आप लगा दीजिए, बेकार से बेकार मिट्टी में भी लग जाता है। और कोई भी केयर नहीं कीजिए, बस ला के लगा दीजिए आप। वैसे तो मैं हर वैसे डालती तो हूँ, मैं सभी पेड़ों में डालती, इसमें भी डालना पड़ता है, मैं डाल देती हूँ। तो मैं लिक्विड फर्टिलाइजर जो डालती हूँ वीकली सब में, तो मैं इसमें डालती हूँ। इसमें आप डेड हेडिंग जरूर करते जाइए, जैसे मेरी ये पुरानी लीव्स हो गई, मैं इनको सबको हटा देती हूँ। और आप इसको फुल सनलाइट पसंद है, इसको फुल सनलाइट में रखिए, जिससे ये आपका फ्लावर बहुत अच्छी ग्रोथ पाएगा। और आप एक बात और रखिए, इसको नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहिए। नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो उसमें किसी तरह की कोई कीट नहीं लगेंगे, जिससे आपका पेड़ बहुत हेल्दी रहेगा। और मैं लिक्विड फर्टिलाइजर हफ्ते में देती हूँ, वो डालिए। और अगर चाहें तो आप महीने में एक बार इसमें, जब ज़्यादा दिन के नहीं रहते हैं तो ये महीने में एक बार इसमें आप एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट हो, या आपकी घर की बनाई खाद हो, या गोबर की खाद हो, कोई भी खाद इसमें आप डाल दीजिए, जिससे आपकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेंगे और हेल्दी रहेंगे। देखिए मेरे पेड़ कितने हेल्दी हैं। और फुल सनलाइट में रखिए आप, अगर आपके यहाँ फुल सनलाइट नहीं आती है तो आप कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो इसको दीजिए, जिससे ये फ्लावरिंग अच्छे से हो और फ्लावर बहुत अच्छे कलर में आए। इसका आप अल्टरनेट वाटरिंग कर मत कीजिए, इसको आप डेली पानी दीजिए। और पानी इसमें ऐसा दीजिए जिससे इसको पानी बहुत ज़रूरत है, अगर आपने इसको पानी नहीं दिया तो ये झुक जाते हैं, डल से हो जाते हैं। आप जान जाइए कि मैंने इसमें पानी नहीं दिया है तो ये झुके से हो जाएंगे, इससे नाराज़ नहीं होते, नाराज़ नहीं हो जाते लोग, इस तरह से ये हो जाता है। इसको डेली मैं वाटरिंग करती हूँ और देख लेती हूँ इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होती, अगर पानी इसमें अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, ड्रेनेज के होल का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। और बहुत अच्छे, देखिए मैंने ज़्यादा वैसे इसमें रेत भी नहीं डाली, देखिए किस तरह से लग गया है, ये बहुत अच्छे से लग रहे हैं। फिर आप इसकी सीडलिंग के बारे में बताऊंगी, इसकी सीडलिंग कैसी होती है, जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो इसके किस तरह से इसकी आप इसके बीज, मैं इसके बीजे निकालने के तरीका बताऊंगी और किस तरह से नेक्स्ट ईयर में इसको आप ग्रो कर सकते हैं, इसका भी वीडियो डालूँगी। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फूल इसके। और याद रखिए कि इसको दूर दूर लगाइए, एक गमले में एक पेड़,
सिर्फ ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो बहुत हेल्दी नहीं होंगे, वैसे भी कोई भी पेड़ हम लोग दूर दूर लगाएंगे तो वो उसको जगह मिलती, स्पेस मिलती, इससे वो फैलता है और अच्छे से ग्रोथ करता है। फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा आपकी ये, और केयर भी आप थोड़ी सी करिए, बिल्कुल ना के बराबर केयरिंग होती है इसकी। और देखिए फ्लावर, देखिए कितना खूबसूरत फूल है, देखिए कितने खूबसूरत हैं, कितना प्यारा कलर है इसका बेबी पिंक। देखिए ये काफ़ी इस कलर में आते हैं, आप किसी को, मुझे तो ये दो कलर मिले थे तो मैं दो कलर लेके आई हूँ और मैंने उनको अपने घर में ग्रो किया, ये छोटे छोटे पेड़ लेके आई थी और जिससे आज इनकी देखिए कि ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। और ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, देखिए देखिए इतने कम से कम, देखिए आप देख लीजिए इतने इतने पेड़ हो जाते हैं। मैं इसके क्लियर तो उसकी मेजरमेंट नहीं मालूम है, एक थोड़ा सा लंबा है, एक थोड़ा सा छोटा है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप ये आप पेड़ लेके आइए अपने गार्डन में, खूबसूरत बनाइए इसको गार्ड लगाने से और खूबसूरत लगेंगे ये। 5-7 दिन फूल रहते हैं बहुत अच्छे से, और ज़्यादा केयर करें तो बहुत अच्छे से चलेंगे। इनको फुल सनलाइट दीजिए, और कोई भी इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो हमारे कमेंट में कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। बाय, थैंक यू।